पत्रकारों से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में देवगुड़ी आदिवासी समाज का देव स्थल बना रहे हैं। गांव की देवी प्रसन्न हैं, उन्हीं के कारण तो बस्तर में पानी आ रहा है। पानी आएगा तभी तो जिएंगे। बस्तर में कैनाल नहीं है, बांध नहीं है, बोर नहीं है, हम वहाँ देवगुड़ी बना रहे हैं, वहाँ पानी खूब गिर रहा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देवी से जुड़े हुए हैं, उनके कोई पूर्वज आदिवासी के घर पैदा हुए होंगे। जिस पर खरसिया पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब कवासी लखमा के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह उनकी भावना है, मैं समझता हूं कि सभी के पूर्वज कभी ना कभी आदिवासी रहे होंगे। जब शुरुआत हुई होगी अब वह अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए कौन कहां से आया है कोई नहीं जानता। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ, मैदान से हम लोग बोरसा करते हैं, वह दशहरा मनाते हैं, इसलिए पानी हिंदुस्तान में सबसे बस्तर में पानी गिर रहा है, छत्तीसगढ़ में पानी गिर रहा है। मैं एक दिन बोला था, स्वर्गीय राजू गांधी आया था कोंटा में 85 के बाढ़ में, वो एक ही बोला था पानी को कोई मंत्री संतरी नहीं जानता है, पानी को सिर्फ जंगल जानता है, आवा खींचता है। बस्तर का आदिवासी लोग जंगल बचाया इसलिए पानी गिर रहा है, उसकी भावना है। और मैं समझता हूँ कि सभी पूर्वज कभी न कभी तो आदिवासी रहा होगा, जो शुरुआत हुई होगी, अब वो अलग अलग देशों में और अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए कौन कहाँ से आया है कोई नहीं जानता, है ना। कितने संस्कृति मिली है, कितने खून मिक्सअप हुए हैं कौन जानता है। तो और वो जब ऐसा कर रहे हैं अच्छी बात है, और आदिवासियों के हित में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है।